अच्छा 2 मिनट का मंदिर है। तो गाइस यहाँ से अभी फिलहाल 2 से 3 मिनट और लगेगा और उस मंदिर पे चलेंगे गाइस, वहाँ से मंदिर का मैं दर्शन कराऊंगा, राम जी का दर्शन कराता हूँ जो कि हनुमान जी उनके भक्त श्री राम के पास चलते हैं। और आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ ड्रॉप किए, थैंक यू। फिलहाल अभी पहुँचने वाले हैं मुंबई साकिना का चांदीवली, और यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होता है ना सर, यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी गाइस यहाँ पे होता है, और वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ शिव राम मंदिर के पास मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे बैनर दिखा सकता हूँ आप लोगों को। और गाइस मैं करता हूँ ब्लॉग को स्टार्ट और मंदिर के अंदर अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ सीढ़ी है, और सुबह का गाइस यहाँ सुबह बहुत ही अच्छा नज़र रहता है। हरिओम पंडित जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर मंदिर है यहाँ पे, और पंडित जी यहाँ पे है। और अभी फिलहाल यहाँ साफ सफाई चालू है, तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर का दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो गाइस चलते हैं थोड़ा सा अंदर, और पंडित जी भी मेरे साथ हैं। पंडित जी आप तो नमस्ते, तो जय श्री राम। ये मंदिर कब बनाया गया था? अरे तो बहुत पहले था, सब साल बहुत। तो भी कितना साल का? अरे तो बताएं, 60-70-80 साल। 60-70-80 साल ये पुराना ये राम मंदिर है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, फुल एकदम व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। तो गाइस चलते हैं पंडित जी अंदर का, आप दिखा दीजिए अंदर अलाउड है। अच्छा अंदर अलाउड नहीं है? तो गाइस अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, मैं बाहर से आपको यहाँ से जूम करके मैं फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। और गाइस बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। और मैं गाइस आप लोगों को मैं मंदिर के अंदर का चीज़ें मैं दिखा सकते हैं। मंदिर के अंदर का नज़ारा है गाइस यहाँ पे, देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इस मंदिर को यहाँ पे इस मार्बल से, वाइट मार्बल से खूबसूरत से सजाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे घंटी लगा हुआ है, और जब भी यहाँ इस मंदिर में कोई एंट्री करता है तो उन्हें घंटी यहाँ पे बजाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को मालूम पड़ जाता है भक्त हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस मैं फ़िलहाल अभी घंटी को बजा दिया हो, और मैं अभी फ़िलहाल अंदर का चीज़ें मैं दिखाता हूँ गाइस। ये बहुत ही पुरानी मंदिर, प्राचीन मंदिर है, और पंडित जी ने मुझे दे दिए हैं परमिशन, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। और कमरा हमारे यहाँ भी लगा। तो गाइस देख सकते हैं ये राम जी का मंदिर, गाइस देख सकते हैं बहुत ही, आप मुझे यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन पंडित जी ने मेरे लिए कैमरा अलाउड किए। यहाँ पे देख सकते हैं दत्ता जी भगवान यहाँ पे विराजमान है, साथ ही साथ देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर से हनुमान जी के साथ साथ ये लक्ष्मी जी हैं, ये पंडित जी विष्णु। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं ये विष्णु जी हैं और ये लक्ष्मी जी हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, और साथ ही साथ राम ये राम है, लक्ष्मण ये लक्ष्मण भैया है, और ये राम है, और ये सीता है। और मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे ज्योत जल रहा है, ज्योत आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस। और ज्योत ही बहुत ही शुभ माना जाता है गाइस, देख सकते हैं ज्योत अच्छे तरीके से यहाँ पे जलाया गया है। और यहाँ पे श्री राधे श्री कृष्ण जी, यहाँ पे मुरली वाले हमारे मोहन श्याम जी, और साथ ही साथ राधा जी यहाँ साथ ही साथ विराजमान है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अम्बा माता दुर्गा जी माता देवी यहाँ पे विराजमान है। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा? गाइस मैं इस मंदिर के अंदर का आपको नजारा मैंने दिखा दिया हूँ, मेरे पीछे पंडित जी हैं, और मेरे साथ जो मुझे बाइक पे छोड़े वो मेरे साथ यहाँ तक आए, और मुझे आपको बहुत ही बहुत थैंक यू, और पंडित जी आपको भी थैंक यू। इसके अंदर कैमरा और फोन अलाउड नहीं था, लेकिन मुझे पंडित जी ने परमिशन दिया और
पंडित जी का बहुत ही बहुत मैं वो आभार हूँ कि पंडित जी आपने मुझे यहाँ का वीडियो बनाने के लिए आपने अनुमति दी है। बहुत ही बहुत थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग हाथ दिखा दीजिए एक बार इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। तो फाइनली गाइस मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही आज अच्छा दिन था। थोड़ा सा बारिश हुआ मुंबई के अंदर और फिर बारिश होने के बाद अभी देख सकते हैं गाइस बहुत सारा धूप हो चुका है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ेगा क्योंकि बारिश गाइस कम से कम 10 से 15 मिनट बारिश गिरा और उसके बाद मुंबई के अंदर बारिश बंद हो चुका था और कुछ ही एरिया में गिरा गाइस, ऐसा नहीं कि पूरे मुंबई में गिरा हुआ है। तो गाइस इस मंदिर को आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और जब भी आप यहाँ इस जगह पे आप चांदी वाली साकिना का इस जगह पे आएंगे तो यह राम मंदिर बहुत ही फेमस है और आपको मैंने इस वीडियो में मैंने राम मंदिर का जो वॉलपेपर है वो चीज़ मैंने दिखा दिया हो। तो गाइस पंडित जी मुझे आवाज़ दी है और पंडित जी बोल रहे हैं मुझे प्रसाद लेने के लिए क्योंकि मंदिर का जब भी कोई दर्शन करता है तो पंडित जी प्रसाद देते हैं। तो पहला प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं गाइस, देख सकते हैं मेरे हाथ में पंडित जी यहाँ पे प्रसाद हाथ में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी। और पंडित जी मुझे परमिशन नहीं, यहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं था और टिक्का लगाना है गाइस, देख सकते हैं मैं टिक्का लगा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं अभी पंडित जी मुझे टिक्का लगा दिए हैं और ये गाइस देख सकते हैं ये एक चना मिर्च है और इस चना मिर्च गाइस गंगा का शुभ माना जाता है। तो इसे कम से कम गाइस 3 बार पंडित जी देते हैं और ये हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। पंडित जी ने मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्प की और पंडित जी कब तक ये चालू रहता है? अभी ये 12:30 बजे बंद हो जाएगा, फिर 4:15 बजे खुले, शाम को 9:30 बजे। ओके ओके ओके। विश्राम का समय होता है ना मध्यान्ह? अच्छा, मध्यान्ह समय धर्म मंदिर खुल जाए। धर्म कोई मंदिर सब विश्राम का भगवान का एक मान्यता है समय और नहीं बनाता हूँ एक और नहीं बैठोगे एक यहाँ देख सकते हैं लाल कृष्ण जी कन्हैया यहाँ पे मुरली जी का यहाँ पे विराजमान है गाइस और कभी आपको दर्शन करा देता हूँ गाइस। तो पानी गाइस इस मंदिर से मैं अभी तो गाइस पंडित जी हैं तो फाइनली गाइस पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरा कुछ फोटो ले लो मंदिर के अंदर ताकि इस वीडियो में मैं फोटो अच्छे से आए। तो फिर मंदिर के अंदर एंट्री करना पड़ेगा गाइस। और भी राम का मंदिर है तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और फिलहाल आ चुका हूँ गाइस अभी मंदिर के बाहर और मैं मंदिर का आपको पोस्टर दिखा देता हूँ यहाँ पे शिव मंदिर। तो गाइस देख सकते हैं शिव मंदिर यहाँ पे शिव राम मंदिर है और ये चांदीवली का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और यहाँ गाइस देख सकते हैं सुबह का नज़ारा और पंडित जी भी मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पे गेट तक आ गए। बहुत थैंक यू सो मच पंडित जी। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं
और यहाँ पे स्टूडियो शूटिंग भी है, यहाँ शूटिंग चलता है आगे, वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कभी दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ मंदिर के बाहर और हम लोग चल रहे हैं साथ में। तो गाइस अभी फिलहाल हमारे भाई बहुत ही बहुत थैंक यू आपको, इन्होंने मुझे बाइक पे बैठा के मंदिर का दर्शन भी कराए और मुझे छोड़ भी रहे हैं आगे, मुझे बहुत ही बहुत थैंक यू सो मच। और गाइस बहुत ही ऐसे कम लोग हैं कि जो कि सपोर्ट करते हैं गाइस, अभी किसी को टाइम कहाँ मिलता है, लेकिन भाई ने मुझे मेरे लिए टाइम निकाले। और देख सकते हैं यहाँ पे कैसा भी आड़ा धेड़ा गाड़ी चलाते हैं, कैसा भी गाड़ी चला देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सुबह का कितना अच्छा नज़ारा है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे साथ जो मुझे बाइक पे इतना हेल्प करके मुझे यहाँ तक लेके आए, उन्हीं का ये स्टोर दुकान है। और यहाँ पे क्या चीज़ बनता है सर, ये सिलाई का, सिलाई हाँ। तो गाइस चलते अंदर देखते हैं क्योंकि मुझे ये इतना हेल्प किए, और यहाँ का मैं आपको इस दुकान का मैं अंदर का चीज़ें दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल टेलर्स, यहाँ पे सैट पैंट्स और सफारी सूट वगैरह भी बनता है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं ये भाई का ही यहाँ, ये यहाँ का सेट है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सभी काम चल रहे हैं सुबह के। और बहुत बहुत थैंक यू आपने मुझे बाइक पे हेल्प किए। और गाइस प्लीज़ यहाँ पे भी आप प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या कैसा है यहाँ पे पीस, पैंट पीस और सैट पीस का क्या है पैसा? हाँ 750 नहीं, सैट और पैंट का कितना है प्राइस आपके? 750 में गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैंट सैट पीस का यहाँ पे प्राइस है। तो गाइस प्लीज़ यहाँ पे आए, और बहुत ही बेहतरीन वगैरह से यहाँ पे सिलाई वगैरह मिलता है, कपड़े का पीस भी मिलता है सर यहाँ पे। ओके ओके, अगर गाइस तो आप लोगों को अगर कपड़ा चाहिए रहेगा तो यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं आप, कपड़ा भी मिल जाएगा आपको और कपड़े के साथ साथ सिलाई भी होता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ इनके वर्कर हैं, सभी एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो? देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सिलाई हो रहा है। और ये क्यों, ये बच्चा कौन है? अच्छा अच्छा छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? प्रीतम। प्रीतम, हाँ स्कूल का छुट्टी हुआ कि स्कूल जाते कि नहीं? एडमिशन हुआ। एडमिशन हो गया है तो बोर्ड पेपर का मार्क्स आया? नहीं आया अभी, रिजल्ट नहीं आया आपका? ओके 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 ओके, यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सर बोल रहे हैं हमारा भी फोटो लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाइस देख सकते हैं मैं इस जो मैं अभी बाइक पे बैठ के आया, उन्हीं का ही दुकान है ये। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सभी लोग वर्कर काम कर रहे हैं। मैं अभी अपना फ्रंट कैमरा के साथ मेरा अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं शेडबिल बना रहे हैं, और यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आएगा और बोल रहे हैं मामा बोलते हैं कि मेरा फोटो जरूर लो। हाँ मामा देखो कितना खुश हो चुके हैं कैमरा को देख के। मामा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो गाइस बहुत ही मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है यहाँ पे, और आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो चलते हैं कि अभी इस वीडियो को बहुत ही बड़ा हो चुका है, वीडियो को करता हूँ गाइस स्किप क्योंकि अभी मुझे जाना है घर जरी मरी, और उसके बाद फिर नाइट में मेरे को जॉब पे जाना है, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे तो पेट पैसा चलेगा, मेहनत करने के बाद ही पैसा मिलता है गाइस, बाकी कोई पैसा देने वाला आज की डेट में नहीं है। और गाइस अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो कुछ काम के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक भी यूज़ करो कि हो सकता है ऊपर वाला आपको कोई चांस दे दे और उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय चाचा जी, बाय 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 बाय।
तो फाइनली गाइस मैं अभी इस मंदिर का मैंने आपको दर्शन करा दिया हूँ और मैं इस वीडियो को करता हूँ स्किप। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करना। मुंबई चांदेवली मंदिर का नाम क्या है पंडित जी? शिव राम मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे ज़रूर आना गाइस। तो चलते, बाय।